हॉरर फिल्में देखने का शौक कई लोगों को होता है जबकि कुछ लोग भूतिया कहानियों को बड़े शौक से सुनते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास ही ऐसी जगहें हैं जो अपने आप में एक रहस्य हैं इन जगहों पर जाना तो दूर लोग इनके बारे में बात करने से भी डरते हैं ऐसी ही एक जगह दिल्ली के महरौली में मौजूद है जिसका नाम है जमाली कमाली मस्जिद जो बिल्कुल कुतुब मीनार के पास स्थित है अपनी भूतिया कहानियों की वजह से जमाली कमाली मस्जिद काफी मशहूर है लोगों का दावा है कि जमाली कमाली मस्जिद में जिन रहते हैं यहाँ होने वाली घटनाओं के कारण लोग इस जगह पर जाने से डरते हैं जमाली कमाली मकबरे के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जाने वालों को थप्पड़ पड़ते हैं साथ ही यहाँ जानवरों की गुर्राहट जोरदार झगड़े और महिलाओं की हंसी की आवाज भी सुनाई देती है मुगल काल में इस मस्जिद मशहूरियत यानी प्रसिद्धि कुतुब मीनार से भी ज्यादा थी लेकिन अब इस जगह को लोग केवल एक भूतही जगह के अलावा किसी और नाम से नहीं जानते। कमाली शब्द शेख हमीद बिन उर्फ़ जमाल खान से लिया गया है जो कि अपनी कविताओं के लिए काफी मशहूर थे और वो एक सूफी संत थे जमाल खान सिकंदर लोधी के शासनकाल चौदह या पंद्रह में भारत आए थे और दिल्ली में ही बस गए वैसे तो लोग उन्हें कई नामों से जानते थे लेकिन उनकी कविताओं ने उन्हें जमाली नाम से मशहूर कर दिया ऐसा माना जाता है कि सिकंदर लोधी उनकी कविताओं के इतने कायल थे कि उनके शब्दों का इस्तेमाल करके वो खुद भी एक शायर बन गए थे मुगलों के शासनकाल में उन्हें बाबर के दरबार में जगह मिली जो हुमायूं की मौत तक उस दरबार में रहे ऐसा माना जाता है कि हुमायूं ने खुद जमाली की मौत के बाद उनका मकबरा बनवाया जमाल खान उर्फ़ जमाली की इतिहास से तो हमने आपको रूबरू करवा दिया अब बात करते हैं कमाली की वैसे तो कमाली का इतिहास रहस्यमयी है क्योंकि इतिहास में उनके बारे में कहीं नहीं लिखा है कि वो जमाली के शिष्य थे या दूसरे कवि थे या फिर एक नौकर थे कोई भी उनका असली नाम नहीं जानता केवल कमाली ही लोगों की जुबान पर है कमाली के बारे में बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं जैसे कि कमाली और जमाली दोनों भाई थे और जमाली तो अपनी कविताओं से प्रसिद्ध हो गए लेकिन कमाली केवल सूफी संत बनकर रह गए कुछ कहानियों में कमाली को एक औरत बताया गया है जो जमाली की पत्नी थे और कमाली की मौत के बाद जमाली ने उसका मकबरा बनवाया और हुमायूं ने जमाली की मौत के बाद उसकी पत्नी के करीब ही उसका मकबरा बनवाया कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि गुरु ग्रंथ साहिब ने बाबा फरीद के नाम से लिखी जाने वाली कविताएं जमाली ने लिखी थी इस मस्जिद की नींव मगलकालीन तरीके से रखी गई लेकिन ये समय के साथ धुंधली हो गई यहाँ पर प्रचलित अनहोनी घटनाओं की वजह से लोग अब यहाँ आने से डरते हैं जमाली कमाली के बारे में कई भ्रांतियां प्रचलित हैं कि जमाली कमाली की रूह जिनों के साथ रहती है कुछ लोगों का यह भी मानना है कि रात को यहाँ बिजली झपकना जानवरों के चिल्लाने और अदृश्य परछाइयों को देखा गया है जैसा कि कोई आपके नजदीक खड़ा हो और आप उसे देख नहीं पा रहे हो कुछ लोगों ने यह भी बताया कि मीनार के नज़दीक कोई थूकता है लेकिन नजर नहीं आता है यहाँ पर रात को चलने वाली हवाएं इस जगह को और ज्यादा डरावनी बना देती हैं सबसे ज्यादा मशहूर कहानी यह है कि रात को यहाँ पर जिन लोगों को थप्पड़ मारते हैं मुस्लिम मान्यता के अनुसार अल्लाह ने इंसानों को मिट्टी से और जिन्नों को आग से बनाया है और जिन भी इंसानों की तरह अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं कई बार जिन इंसानी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं और वीरान जगहों पर अपना कब्जा कर लेते हैं ऐसा ही वाकया इस जगह पर हुआ कि कई सालों से ये जगह वीरान थी जब तक कि ए ने इसे संरक्षित नहीं कर लिया जिन्होंने इस जगह को अपना गढ़ बना लिया और हर रात उनकी यहाँ पर महफिल लगती है हालांकि इस मस्जिद जमाली कमाली की रखवाली करने वाले चौकीदारों ने यहाँ पर भूतों और जिन्नों के होने से इनकार कर दिया लेकिन ये जमाली कमाली मस्जिद मशहूर होने के बजाय डरावनी कहानियों की वजह से बदनाम हो गई इन कहानियों के चलते ही कई लोग इस मस्जिद में घूमने आते हैं और इसके रहस्य को ढूंढने की कोशिश करते हैं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और नसीम हसन ब्लॉग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिलाइकन जरूर दबाएं जल्दी मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आपका बेहद शुक्रिया